अस्सलामिस्तान नदीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज हमने कंप्यूटर के बारे में एक वीडियो बनाना है। किसी को पता नहीं होगा कि कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स कौन से हैं, तो आज मैं आपको कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स बताऊंगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने जाने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेसिक पार्ट्स कंप्यूटर। अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि कंप्यूटर के कौन कौन से हिस्से हैं। कोई कहता है माउस है, कोई कहता है कीबोर्ड है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, लेकिन आज मैं आपको कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। दो बेसिक पार्ट्स हैं, एक कंप्यूटर हार्डवेयर, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पहले मैं आप कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर हार्डवेयर वो है जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये है कंप्यूटर हार्डवेयर। आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। मैं आपको हार्डवेयर की कुछ मिसालें बता रहा हूँ। तो ये माउस भी हार्डवेयर हुआ, और ये कीबोर्ड हार्डवेयर, ये सीपीयू हार्डवेयर, स्पीकर हर चीज हार्डवेयर। सारे सोच रहे होंगे कंप्यूटर के सारे हिस्से तो हार्डवेयर हैं, फिर सॉफ्टवेयर क्या होंगे? तो सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताता हूँ। सॉफ्टवेयर उसके वो हिस्से होते हैं जो अंदर होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, और लाइट जाने के बाद जो कंप्यूटर पे प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो चले जाते हैं, और ये होते हैं सॉफ्टवेयर। मैंने इसको बंद किया तो स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये सारे प्रोग्राम आ रहे हैं। तो देखिए कितने प्रोग्राम हैं। कंप्यूटर के अंदर चलने वाले तमाम प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि ये देखिए आपको सारे प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये सारे प्रोग्राम हैं। देखिए ये सारे प्रोग्राम हैं, कंप्यूटर के अंदर चलने वाले सारे प्रोग्राम हैं, वो सॉफ्टवेयर हुए। मैं आपको सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे जो विंडो, ऑफिस और गेम्स वगैरह, ये चीज़ें सॉफ्टवेयर कहलाती है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कंप्यूटर को शट डाउन क्यों करते हैं, क्यों कंप्यूटर को शट डाउन करना ज़रूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।